पहुंचे हैं, जहां मेरी आवाज पहुंच रही हो, उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि बस कुछ चंद ही मिनट में सम्मेलन समाप्त हो रहा है, आप अंत तक साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा है। हमने इस सम्मेलन में बहुत बड़े सवाल पे विचार किया है, जो इस देश का बहुत गंभीर एक मायने में आज का सबसे गंभीर सवाल है, उस पे विचार किया है। और हम यहाँ से वो विचार क्या है, वो संकल्प क्या है, उसे इस एक स्टेटमेंट में लिपिबद्ध किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ कि अभी समय नहीं है कि उस पर विस्तृत चर्चा हो सके, मगर आप यूँ समझ लीजिए कि अब तक जो चर्चा हुई है, जो सब बातें आप लोगों ने कही हैं, उसका निचोड़ है इस प्रस्ताव, तो उसे मैं पढ़ देता हूँ। और अगर किसी साथी को बहुत शिद्दत से महसूस हो कि इसमें कोई सुधार होना चाहिए, तो मेरा अनुरोध है कि इस सत्र के बाद आप आनंद जी से मिलकर बता दीजिए कि आप क्या इसमें संशोधन चाहते हैं, और मुझे विश्वास है कि वो आपकी बात को मानते हुए उसमें संशोधन करने के लिए। जैसे मैंने कहा, ये ऑलरेडी पिछले डेढ़ दिन में हमारी जो कुछ बातें हुई हैं उसका सार संक्षेप है, इसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हिंदी में है, अंग्रेजी अनुवाद इसका बात करेंगे। इसे शीर्षक दिया है हमने काशी संकल्प, बनारस को काशी भी कहते हैं, काशी संकल्प। और यहाँ काशी में संकल्प लेने का एक दूसरा आज हमारी परंपरा होते हैं। स्वराज अभियान के अमन कमेटी के दो दिवसीय राष्ट्रीय अमन सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव आज देश भर से अमन कमेटी स्वराज अभियान हम सब वो नागरिक एकत्र हुए हैं जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, सभी पंथ और मतावलंबियों को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध, विविधतापूर्ण भारत के सपने से जुड़े हैं, अल्पसंख्यकों के धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों और देश के विकास में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी के लिए कटिबद्ध है, और हमारी विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं में गर्व महसूस करते हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सभी पंथ धर्म मत को सम्मान देकर ही भारत की राष्ट्रीय एकता की रक्षा की जा सकती है। आज हम सब देश भर में बनाए जा रहे असहिष्णुता के माहौल और सांप्रदायिक तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। आज संविधान में निहित सर्वधर्म समभाव का आदर्श संकट में छोटी बड़ी घटनाओं के जरिए अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों के लिए दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। अफवाहों और मीडिया के जरिए पूरे समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की इस कोशिश को केंद्र सरकार से शह और समर्थन मिल रहा है। शिक्षा और संस्कृति की सरकारी संस्थाओं में सांप्रदायिक सोच वाले ऐसे लोग भरे जा रहे हैं जो संविधान में आस्था नहीं रखते। संवैधानिक ढांचे और उसमें निहित भारत के सपने को
स्थायी क्षति होने का खतरा आज देश के सामने भी है। इस खतरे का सामना करने के लिए भारतीय संविधान आज भी हमारा प्रकाश स्तंभ है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों को जनमत में बचाए रखना एक सतत चुनौती है। आजादी के बाद से खासतौर पर पिछले 25 साल में हम इस चुनौती के सामने कमजोर साबित हुए। इस चुनौती का सामना करने की जिम्मेवारी संभालने वाली सेकुलर राजनीति कमजोर, अवसरवादी और पथ भ्रष्ट हुई है। सेकुलर राजनीति का दावा करने वाली अधिकांश पार्टियां अल्पसंख्यकों को बंधुआ बनाकर उनके वोटों के दोहन में लगी हैं। ऐसे में एक ओर तो संघ परिवार और भाजपा घृणा की राजनीति फैलाने में सफल हुई है, दूसरी ओर अल्पसंख्यकों में व्याप्त भय का दोहन करते हुए मुस्लिम सामुदायिक पार्टियां अपना सिर उठा रही हैं। मुस्लिम युवाओं में अलगाववाद पनपने लगा है। आज अतीत के अंधेरे की ओर झांकने की बजाय भविष्य के उजाले को देखने और उसे बनाने का वक्त है। इसके लिए जरूरी है कि हम संवैधानिक मूल्यों को जनता की भाषा में, जनता के मुहावरे में, जनता के पास लेके जाए। हमारी परंपराओं में निहित हमारी सांस्कृतिक विरासत जड़ नहीं है। हर धर्म और पंथ के भीतर शुभ और अशुभ के बीच संघर्ष चलता रहता है। आज हमें अपनी इस विरासत से सीखते हुए उसके प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक सर्विष्णुता का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। साथ ही हमें इस प्रयास को एक संगठित स्वरूप देने की जरूरत है। आज की यह चुनौती भारत के सपने को पुनर्जीवित करने का एक अनूठा अवसर भी है। यह हम सबके लिए व्यक्ति के नाते, आस्था समूह के सदस्य के नाते और नागरिक के नाते सबसे बड़ा धर्म है। अमन कमेटी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अमन सम्मेलन में आए हम सब अमन के सिपाही इस देश धर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं। कबीर की नगरी में हम सब संकल्प लेते हैं कि हम हर कीमत पर गंगा जमुनी संस्कृति से पैदा होकर भारत के इस सपने और इस देश धर्म की रक्षा करें। वैसे तो योगेंद्र यादव जी ने आप सबकी बातों
का इंतजाम किया है और इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश सिन्हा के जरिए स्वीकार करें और करें तो आज भाई मेरे लिए ही अमर कमेटी की तरफ से आइए बुलाए। सबसे पहले हमने गौरव और हम सब लोगों के लिए चार